जिन वर जहाँ विराजते तिन सब को है प्रणाम। पंच मेरु बक्षार गिरी के अस्सी अस्सी गज दंतों के बीस कुलाचल तीस कहे है। सौ सत्तर विजयार्ध कुरु की दस संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के चार चार हैं। नंदीश्वर के बावन जिन ग्रह महामनोहर। कुंडल रुचक गिरी के चार अति सुंदर। सब में शतक आठ प्रति भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे तेरे अक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तेरे अक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तेरी अक चर्चा कहें अथवा मध्यलोक की चर्चा कहें, सभी को आह्वान है, निमंत्रण है, बुलावा है, इनविटेशन है कि त्रियक चर्चा के लिए सभी तैयार हो जाएं। कल अपन ने मंगलाचरण देखा था, मंगलाचरण का अर्थ देखा और इस मंगलाचरण के माध्यम से मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों की हमने यहाँ से भाववंदना की। अब भाववंदना करने के बाद अब अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज की कक्षा का अपना विषय है मध्यलोक क्या है, कहाँ है, कैसा है तथा उसमें क्या क्या है। चार पॉइंट प्रियांश, क्या क्या? मध्यलोक क्या है, कहाँ है, कैसा है तथा उसमें क्या क्या है। प्रथमेश, मध्यलोक कहाँ है नहीं, कैसा है नहीं। तेजस, मध्यलोक, मध्यलोक क्या है, कैसा है। मध्यलोक क्या है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कैसा है और चौथा उसमें क्या क्या है। देखें ध्यान, कक्षा नंबर अपनी 3, मध्यलोक क्या है, कहाँ है, कैसा है तथा उसमें क्या क्या है। ठीक, क्या बोले, क्या नहीं आया, क्यों है। अच्छा, इनका प्रश्न है इसमें क्यों है, क्यों नहीं आया। क्यों इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो है सो है। क्यों है इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। तो क्यों है इसका कोई आंसर नहीं, वह तो है सो है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है, जैसा जाना है और हमें बताया है, परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं मध्यलोक क्या है। देखें मध्यलोक क्या है, आगे बढ़ें। लोक के मध्य में स्थित होने से इसे मध्यलोक कहते हैं, एकदम क्लियर है परिभाषा भी कितनी सरल है, मैंने याद करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल। कहाँ है अनुराग, लोक के मध्य में है इसलिए इसको बोलते हैं मध्यलोक, बस। ठीक है, ऋषभ क्या है, लोक के मध्य में है इसलिए मध्यलोक, इतनी सी बात है। तथा यह तिरछा फैला होने से, कैसा फैला होने से, तिरछा, ऐसा तिरछा फैला है इसलिए इसका एक नाम और क्या है, तिर्यक लोक भी कहा जाता है इसको। लोक के मध्य में है इसलिए मध्यलोक, तिरछा फैला है इसलिए तिर्यक लोक। बात तो एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस शब्द और भाषा की बात है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने मध्यलोक क्या है इसकी परिभाषा जानी। थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, ये कितना है, थोड़ा सा इसका क्षेत्र टाइप देखें।
होने को यहाँ और लिखने वाले थे कितना है, लेकिन अब हेडिंग बहुत लंबी हो जाती तो फिर हमने कितना हटा दिया, लेकिन कितना है इसमें आ जाएगा वो। इसकी स्थिति त्रसलोक की मुख्यता से एक वर्ग राजू, त्रसलोक की मुख्यता से कितना है, एक वर्ग राजू, जिसको प्रतर राजू भी कहते हैं, एक वर्ग राजू क्षेत्र में है, ठीक। अर्थात यह एक राजू लंबे व एक राजू चौड़े क्षेत्र में है, तथा इसकी ऊंचाई सुमेरु पर्वत प्रमाण 140,000 योजन है। विशेष रूप से पूर्व पश्चिम एक राजू तथा दक्षिण उत्तर 7 राजू प्रमाण है, ऐसा भी अपन इसको समझ सकते हैं। क्या क्या बता दिया इसमें प्रिंस, कितना है अपना मध्य लोक, एक वर्ग राजू। वर्ग राजू को प्रतर राजू भी कहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, एक राजू तो लंबा और एक राजू चौड़ा, अपन ने मध्य लोक देखा ही था, अभी और देख लेंगे एक बार सचित्र चित्र से और देख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई कितनी धीरज, धीरज ही हो ना, हाँ कितनी, कितनी ये वहां से आवाज आती है तो मत बोला करो, किसी ने सात बोल दिया तुम भी सात बोले ना, आप ना बोलो कितना, सुमेरु पर्वत प्रमाण 140,000 योजन, इतना है, इतनी उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और विशेष रूप से कह दिया पूर्व पश्चिम तो एक राजू है, पूर्व से पश्चिम तक एक राजू है ये चौड़ाई, तथा दक्षिणोत्तर 7 राजू। यदि उस रूप में जाने अपन ने जाना था ना पूरा तीन लोक का नक्शा, तो दक्षिणोत्तर पूरा वहां तक ले जाएंगे पीछे तक तो 7 राजू पहुंच जाएगा उस एंगल से, लेकिन त्रसलोक की मुख्यता से करेंगे तो एक राजू के अंदर ही लंबाई चौड़ाई सब आ जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है अपना, यह है लोक कहाँ है और कैसा है, तो कहाँ है कैसा है अपन यह भी देखेंगे, देखें कहाँ है कैसा है, ठीक। यह संपूर्ण लोक के बीचों बीच स्थित है, अब कैसे है अपन निकाल के देखते हैं, ठीक है। देखें आगे, अब अपन को डायरेक्ट लाइव जैसा दिखाई देगा, देखें ये आ गया, ये लोक तो सबने देखा ही है, ये देखो और आ रहा है, ये ऊपर से सब वात वलय जुड़ते जा रहा है, एक और वात वलय जुड़ गया, एक और जुड़ गया, तीन हो गए वात वलय, ये स्पष्ट है, ओके। ये अपना है पूरा लोक, अब इसमें देखो घनोदी वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, ये तीनों नाम आ गए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये लोक नाड़ी है, ये पूरी क्या है, लोक नाड़ी। अपन ने देखा था एक त्रसनाड़ी होती है और एक लोक नाड़ी, नाड़ी कहो नाली कहो एक ही बात है, इसको लोक नाड़ी क्यों कहा अथवा त्रसनाड़ी क्यों कहा, देखो लोक नाड़ी कहा था कि पूरी यहां से लेके ऊपर तक 14 राजू थी, इसलिए लोक नाड़ी। और त्रसनाड़ी क्यों कहा, क्योंकि जहां त्रस जीव रहते हैं उसकी मुख्यता से त्रसनाड़ी है, ये देखो यहाँ थोड़ा अलग ही कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये त्रसनाड़ी हो गई। तो लोकनाड़ी 14 राजू ऊंची है और कुछ कम 13 राजू कहेंगे तो त्रसनाड़ी हो जाएगी, तो ये त्रसनाड़ी है। अब अपन को ढूंढना है इसमें मध्य लोक कहाँ है, देखते हैं, आओ भाई जी देखो अब आएगा धीरे धीरे, हो जाओ प्रकट। ये तो इधर अधोलोक का थोड़ा सा ऐड किया, ये निकल रहा है, निकला, बैक जाओ फिर से देखिए, हाँ अब देखो फिर से देखा, देखा हुआ प्रकट, एक बार और देखना है बैक,
ये देखो फिर से आ गया, क्लियर। ये आ गया अपना मध्यलोक, यहां पे है मध्यलोक, ठीक। चलिए ये मध्यलोक है अपना, और कैसा है, क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझो, बस ऐसा दिख रहा है कि कुछ कुछ लाइन बनी हुई है, बस इतना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ है मध्यलोक, और तो अपन देख लें, आगे कुछ कुछ लिखा है बस उतना। ये ऊर्ध्वलोक का ये पार्ट है, इधर का ये पूरा लोक आ गया, ये मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, नीचे अधोलोक है, ओके। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक है, वही बात है। यहाँ 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इसी में अपन ने सब देखे हैं मंगलाचरण में। ये देखो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, तीन लोक, ये मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, ये पूरा इस रूप में भी रंगीन चित्र के द्वारा अपन पहले भी देख चुके हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। ये भी देखो, अब यहाँ से फिर निकलेगा मध्यलोक, ये आ गया इस टाइप, देखा बिल्कुल 3D टाइप। ये देखो ये मध्यलोक, दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दिया है, ऐसा खड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसी तिरछा है, इस तरह से तिरछा है, ठीक है, बस इस समय ये देखो ये हो गया तिरछा, इस तरह से ऐसा ये मध्यलोक यहाँ ऐसा जानना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस इसमें और देख लें। ये देखो ये कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो है ना पूरा, ये जम्बू द्वीप, फिर अगला समुद्र, फिर अगला द्वीप, फिर अगला समुद्र, फिर अगला द्वीप, फिर अगला समुद्र, ये एक 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 बढ़ते चले जा रहा है। ये पांचवा नंबर आ गया, ये और आगे आ गया, फिर ये और आगे आ गया, फिर जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसा वैसा बनता चला जाएगा, ये और बनता गया, बनता गया, बनता गया, और बन जा, और बन जा, और ये बस स्टॉप, क्लियर। माने ये द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ये मध्यलोक में किस तरह से है, ये आठवां नंबर का नंदीश्वर द्वीप है, आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम घोनवा वन्य प्रतिमा नमो सुकरम। अपन इसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि नंदीश्वर द्वीप आठवां नंबर का है, कैसा है, उसमें क्या क्या है, प्रतिमाएं, जिनालय, जहाँ जहाँ जो जो होते हैं, वे सब अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अपन ने पूरा मध्यलोक देखा, ये है अपना मध्यलोक, ठीक है। कहाँ है, कैसा है, अब कोई डाउट क्लियर हो गया, कहाँ से निकल के आया और किस तरह से वो अपन ने इस तरह ऐसा यहाँ पर ले आए। चलिए अब और आगे बढ़ाते हैं विषय। अब अगला पॉइंट क्या था, उसमें क्या क्या है, कहाँ है, कैसा है, वो सब हो गया है ना, अब उसमें क्या क्या है ये देखना है, ये देखते हैं। निवास सबसे पहले नंबर, तो उसमें क्या क्या है, तो निवास की तरफ से देखते हैं। तीन गति के जीवों के निवास हैं, तीन गति के जीव यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं दो गति के जीव रहते हैं, कौन कौन से, मनुष्य और त्रिंच, बाकी देवों को तो सबने कहाँ भेज दिया है, ऊपर स्वर्ग में, नीचे किसको भेज दिया है, नारकियों को, सबने अपने हिसाब से जान रखा है, ऐसा समझ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे नरक भी है और देव भी है, ऊपर स्वर्ग है बस, और फिर उधर सिद्ध सला मोक्ष भी है, और मध्यलोक में ज़्यादातर सब समझते हैं कि मनुष्य और त्रिंच ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तीन गति के जीव रहते हैं, मनुष्य, त्रिंच तथा देव, और देवों में भी कौन से, तीन प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन प्रकार के देवों का निवास स्थान मध्यलोक जानना चाहिए, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शंकाएं होंगी, अभी तो विषय चलेगा, और जहां जहां जैसा जैसा विषय आगे बढ़ेगा फिर धीरे धीरे शंकाएं उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि विषय तो हो, अभी तो स्टार्ट हो रहा है अपना। ये हो गया निवास, और क्या है इसमें, अब रचना की दृष्टि से देख लेते हैं। रचना किस मध्यलोक में किस किस की रचना है, तो तत्वा सूत्र का एक सूत्र पढ़ा है सबने, अध्याय 3 सूत्र नंबर 7। 6 सूत्र तक तो क्या गया था, नरक की चर्चा थी, अधोलोक की चर्चा थी,
और सातवें सूत्र से मध्य लोक शुरू हो गया। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। क्या है? जम्बू द्वीप लवणोदादय माने जम्बूद्वीप और लवण आदय और लवण आदि। जम्बूद्वीप और लवण आदि माने जम्बूद्वीप यह तो द्वीप है और लवण आदि माने लवण समुद्र है और आदि लगा है। आदि का मतलब और भी हैं, और भी हैं। कैसे हैं? शुभ नामानो शुभ नाम वाले हैं। शुभ नामानो नहीं शुभ नाम वाले, ठीक है? नहीं तो कोई कहे शुभ ना मानो, शुभ ना मानो नहीं शुभ मानना है। क्या बोले? पढ़ने में ऐसा लगता है शुभ ना मानो, शुभ ना मानो माने शुभ ना मानो नहीं शुभ मानो, शुभ नाम वाले। शुभ नाम वाले क्या हैं? द्वीप समुद्रहा, द्वीप समुद्र हैं। ये बहुवचन है और बहुवचन होने से बहुत सारे हैं, बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं। अब कितने सारे द्वीप समुद्र हैं प्रश्न खड़ा होता है कि बहुत सारे हैं बहुवचन लिखा है। बहुवचन मतलब तीन से आगे लेके कितने भी हो सकते हैं, तीन, तीस, तीन सौ, कुछ भी लगा लो, हजार, लाख, करोड़, दस करोड़, अरब खरब, संख्या तो संख्या अनंत, कुछ भी हो सकता है बहुवचन में। तो कितने? बहुत से हैं तो बहुत से तो कितने, ये जिज्ञासा खड़ी होती है, तो उसका आंसर आगे तैयार है, देखें। अर्थात वहां शुभ नाम वाले, ये शुभ नाम क्यों कहा? क्योंकि इनके सबके नाम अच्छे हैं, अपने यहां सब प्रकार के नाम होते हैं, अच्छे नाम भी होते हैं बुरे नाम भी होते हैं। अब जैसे अच्छे नाम, कोई भी नाम ले लो किसी का, आदर्श है, श्रेयस है, संयम है, जो भी, यहाँ तो लगभग सभी के अच्छे नाम हैं। लेकिन कई नाम हैं कल्लू, अब नाम क्या है, तो ये थोड़ा नाम, यद्यपि अपन अब कल्लू नाम की बुराई ना करें, लेकिन अब जो है सो है, लेकिन वो नाम थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। किसी को कल्लू कह दो तो चिढ़ जाए, पप्पू, टिल्लू, माने ऐसे किट्टू, पिट्टू, जो इस टाइप के ऐसे नाम रखते हैं कई लोग, तो ऐसे अलग अलग जाति के अपने अपने नाम होते हैं, तो थोड़े वे सुनने में अटपटे से लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे नाम शुभ हैं, ठीक है? अतिशय तुम्हारा नाम भी ले लिया क्या? पता ही नहीं होगा किसी को, मुझे पता है बस। चलो, अर्थात वहां शुभ नाम वाले अच्छे अच्छे नाम है सबके, कोई नाम सुन के खराब नहीं लगता, सब बढ़िया है। जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप तथा लवण समुद्र आदि असंख्यात समुद्र हैं। माने द्वीप भी असंख्यात, समुद्र भी असंख्यात, इतने असंख्यात हैं। तो इतने द्वीप और समुद्र ऐसे सब असंख्यात हैं, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है? अब किसी को प्रश्न उठ सकता है असंख्यात मतलब कितने असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के भी कई भेद हैं, उसका कुछ प्रमाण है क्या? तो ये चर्चा आगे आने वाली है, अगली किसी कक्षा में आएगी, थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी इतना ख्याल में तो आ गया। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, जितने द्वीप हैं उतने समुद्र हैं। अब उसको अपन थोड़ा सा अगले कोई थोड़ी अपनी पुरानी पिक्चर के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं किस तरह से, ठीक? देखो ये आ गया, ये थोड़ी पुरानी है, पहले लगभग ऐसे ही चित्र बनाए जाते थे, तो अपन थोड़ा पुराने ज़माने में भी चलते हैं, फिर जो वर्तमान का जो नया सिस्टम आ गया उसके अनुसार से भी चलेंगे नए रूप में। होने को अभी अपन देखा ही था अच्छे से, नए रूप में भी देख लिया था पूरा घुमा घुमा के, अब इस रूप में देख लें। एक बीचों बीच, सबसे बीचों बीच एक द्वीप है जम्बू द्वीप,
फिर अगला समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे लगातार एक के बाद एक, एक द्वीप, एक समुद्र, ये सब घूम घूम के, घूम घूम के ऐसे सब चलते चले जाते हैं और पूरे कुल मिलाकर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हो जाते हैं। ठीक है, शुरुआत द्वीप से होती है और अंत समुद्र से होता है, तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये देखो पूरा दिखाई दे रहा है, ये लिखा ना एक राजू, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राजू, ये चौड़ाई है एक राजू, ऊपर भी चौड़ाई एक राजू, नीचे भी चौड़ाई एक राजू, और इधर ये एक राजू जो दिखाई दे रहा है, ऊंचाई कहो अथवा लंबाई कहो, ये एक राजू, तो एक राजू इधर भी एक राजू, इधर भी एक राजू, सब तरफ से एक राजू के अंदर ये पूरा समाया हुआ है। और ये चार कोने हैं, ये खाली पड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, ये द्वीप समुद्र यहाँ पर आ गए। इस तरह से पूरा अपना मध्य लोक है। ठीक विकास, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है काम धंधा मैंने द्वीप समुद्र अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये वाला क्या, तुम तो वही सोचते हो, बस एक ही दिमाग में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पुराने, अब थोड़ा सा नया जो अपना है होने को, आप लोग वो गणित मान में देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन भूल गए होंगे, फिर से अपन रिन्यू करते हैं। बोलिए इसमें, हाँ इनका कहना ये जो लिखा है मानुष उत्तर पर्वत कहाँ से आ गया, अभी इनको क्यों ढूंढते हो, अभी तो ये सब विषय आएगा, मैंने जिज्ञासा है वो वाली खड़ी करो जो विषय चल रहा है। अब यहाँ मानुष उत्तर पर्वत लिखा है तो कहाँ से आ गया, ये तो है, ये बीचों बीच समझाएंगे बाद में कि इसके द्वीप समुद्र के बीच में पर्वत भी है, क्यों है, क्या है, ये सारी चर्चा होगी डिटेल में। ठीक है, क्रम क्रम से सारी शंकाओं के समाधान यही हो जाएंगे तो आगे फिर कुछ नहीं बचेगा। स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। पहले आज अपन ने देखा कि कहाँ है ये मध्यलोक, क्या है मध्यलोक, कैसा है मध्यलोक, उसमें क्या क्या है, सामान्य बेसिक जानकारी। फिर धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, फिर ये जम्बूद्वीप कैसा है, ये खाली खाली दिख रहा है, इसमें भी कुछ है क्या, फिर उसमें भी अपन देखेंगे, फिर समुद्र में देखेंगे, फिर धीरे 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 देखते चले जाएंगे, जितना बन सकेगा उतना प्रयास करेंगे। ठीक है, संभव समझ में आता है ना चित्र के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखें असंख्यात द्वीप समुद्र लिखा है, असंख्यात द्वीप समुद्र किस तरह से कैसे देखें, पहला आ गया ये, कौन सा आ गया ये, जम्बू द्वीप, एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है बीचों बीच, ये यहां से जम्बू द्वीप, उसके बाद क्या है, लवण समुद्र आ गया, इसके बाद फिर आगे बढ़े तीसरा, फिर एक द्वीप आ जाएगा, कौन सा, धातकी खंड द्वीप, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर समुद्र आ गया एक और, एक कालोदधि समुद्र, फिर इसके बाद फिर द्वीप आ जाएगा एक, ये आ गया पुष्करवर द्वीप, इसके बाद फिर आ जाएगा एक समुद्र, ये आ गया समुद्र, यहां से ये द्वीप ही आ गया, इसलिए आ गया, उसका कारण ये है कि अब पूरे तो अपन यहाँ असंख्यात गिना नहीं सकते, तो मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट यहाँ बता दिए हैं, ये पहला जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, कालोदधि समुद्र, पुष्करवर द्वीप, फिर इसके बाद अपन सीधे पहुँच गए आगे बढ़ के आठवें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप, फिर आगे और बढ़ते हैं नंदीश्वर समुद्र, ये देखो ये तो घूमते ही रहता है समुद्र, नंदीश्वर समुद्र। अब इसके बाद अपन पूरे पार होके एकदम सबसे अंत में पहुंचते हैं असंख्यात वा जो लास्ट नंबर का है द्वीप और अंतिम समुद्र। देखें ये स्वयंभू रमण द्वीप सबसे अंतिम द्वीप है और इसके बाद सबसे एक और अंत में आएगा स्वयंभू रमण समुद्र, ये आ गया पूरा। ठीक है, प्रश्न है इसमें भी, इसमें क्या प्रश्न है बोलो, अच्छा इनका प्रश्न है, फिर भी ठीक है प्रश्न, इनका प्रश्न है असंख्यात में तो कोई गिनती होती नहीं,
तो फिर कैसे पता चल गया एक आखिरी समुद्र है? असंख्यात में गिनती होती है, असंख्यात में गिनती होती है, अनंत में गिनती नहीं होती। असंख्यात तो वो इसलिए असंख्यात है कि वो मति और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। अपनी जो संख्या है उससे नहीं गिन सकते, ये बात सही है, लेकिन अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, इसलिए वो तो पूरा जान रहे हैं, और केवल ज्ञानी तो पूरा जान ही रहे हैं, इसलिए कोई वादा है नहीं। और यहाँ से पहले से शुरू करके अंत तक पहुँचेंगे तो वहाँ असंख्यात वा नंबर जो अंतिम है वह कौन सा है यह जानने में कोई बाधा नहीं। अरे ये तो छोड़ो, यदि अनंत का भी होता ना एक कोई ऐसी चीजें तो भी जान लेते, कौन? केवली भगवान। तो कोई इसमें ऐसा कह सकता है केवली भगवान यदि अनंत वाला जान लेते तो उसका अंत आ जाता? कोई ऐसे प्रश्न करते हैं कई लोग, केवली भगवान यदि अंतिम जान लें तो उसका अंत आ जाएगा। बोलो, अंत आ जाएगा क्या? जानने से अंत हो जाता है क्या? केवली भगवान के तो अनंत अनंत रूप में ज्ञात हो रहा है, सब कुछ ज्ञात हो रहा है, तो सब कुछ ज्ञात हो गया तो क्या उसका अंत आ गया? अच्छा मान लो ये कितनी उंगलियां हैं, 10, ठीक। अभी दूसरा हम हिसाब नहीं पूछ रहे, कोई कहने 4 हैं, ये तो अंगूठे हैं, अभी वो नहीं चल रहा है ना। कई लोग 11 भी बना देते हैं, वो अपनी एक बार चर्चा की थी ना, ध्यान है किसके, इसको ध्यान है, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 11। अभी वो पूरा कैलकुलेशन ही चल रहा है, अभी तो बात ये करना है ये 10 हैं, तो 10 हमने जान ली, 10 जान ली, तो मुझे बताओ इनका अंत आ गया क्या? क्या अंत आ गया? 10 को 10 रूप में जान लिया, ऐसे ही असंख्यात को असंख्यात रूप में जान लिया, अनंत को अनंत रूप में जान लिया, तो उसका कोई अंत थोड़ी होता। अंत तो तब माना जाए कि एक एक को घटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, पूरा खत्म हो जाए तो अंत कहलाता है ना। तो यहां पर जो अंतिम जो बताया, द्वीप समुद्र सब, इनमें कोई बाधा नहीं है, ये सब गिने हुए जाने हुए हैं, सर्व भगवान के ज्ञानगम्य हैं। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी भी जान लेते हैं तो सर्वज्ञ तो जान ही सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। बोलिए, क्या बोले? शास्त्रों में, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इनका प्रश्न है शास्त्रों में इतने ही ऐसे ही नाम लिखे हैं कि और भी इससे अधिक हैं? अभी जब अपनी आगे की और कक्षाएं चलेंगी तो उसमें शास्त्रों में जो नाम मिलते हैं होने को हम सोच रहे थे वही बताएंगे। शुरू से लेके हिंट कर देते हैं, बाद में और अच्छे से नाम सहित देखेंगे। शुरू से लेके 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम स्टार्टिंग से, तो कितने हो गए, 32, और अंत से लेके 16 द्वीप और 16 समुद्र, तो 32। वैसे 64 नाम शास्त्र में भी मिलते हैं, 64 के 64 नाम हम जानेंगे आगे की एक दो कक्षाओं बाद जब भी आएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन इतना जाने कि ये नाम भी मिलेंगे, इनकी चर्चा अपन क्रमशः करते रहेंगे, ठीक। अब अंतिम पॉइंट इसका, इस कक्षा का विशेष विशेष, सर्वद्वीप समुद्रों में सबसे बीच में प्रथम जम्बूद्वीप है, ये बात तो हम देख चुके, जो थाली के आकार का है। किस आकार का है? दो जो कई लोग कहते ना पृथ्वी गोल है, गोल है, हाँ गोल तो है, गोल तो है, लेकिन इसको जो पृथ्वी मानते हैं जम्बूद्वीप को, गोल है लेकिन अंडाकार गोल नहीं है, कैसी थाली के आकार गोल है ये जम्बूद्वीप, थाली के आकार का है। और यदि कहो कि पृथ्वी और भी है, समुद्र द्वीप, समुद्र द्वीप जितने हैं वे सब, वे भी सब गोल हैं, वे भी सब गोल हैं, लेकिन उनका जो गोलपना है वो इसके गोल से अलग है। जम्बूद्वीप अलग टाइप का गोल है और अन्य द्वीप समुद्र अलग टाइप के गोल हैं,
देखते हैं कैसे। जम्बूद्वीप है वह थाली के आकार का है तथा उसके बाद वाले सभी समुद्र व द्वीप एक दूसरे को घेरे हुए चूड़ी के आकार के समान वाले हैं। आगे आगे अपन ने देखा था एक के बाद एक घेरा ऐसे लगा लगा के, एक द्वीप थाली के आकार का, फिर अगला समुद्र ऐसे चूड़ी के आकार, फिर अगला द्वीप चूड़ी के आकार, अगला समुद्र चूड़ी के आकार, अगला द्वीप चूड़ी के आकार, अगला समुद्र चूड़ी के आकार का है, ऐसा गोल गोल गोल। इस तरह से पूरे मध्य लोक में असंख्या द्वीप और असंख्या समुद्र ऐसे हैं। तो अपनी जो जिज्ञासा थी कि इस मध्य लोक में क्या क्या है, तो भी हमने जान लिया क्या क्या है मोटे तौर से, स्थूल रूप से। अब इतना जानने के बाद अब फिर प्रश्न खड़े होते हैं उसके अंदर अंदर और क्या क्या है। जैसे पहला जम्बूद्वीप जाना, तो अब जम्बूद्वीप के अंदर क्या क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, उसकी संरचना कैसी है, इस तरह की जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक है। इन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी यहाँ पर ही विराम लेते हैं।